आखिर क्या है वजह कि निमृत कौर अहलूवालिया पर लगाए जा रहे हैं बड़े इल्जाम, और इस बार तो प्रियंका चहार चौधरी को इस मुद्दे में इन्वॉल्व करके। आखिर क्या है वजह कि प्रियंका चहार चौधरी को इस मुद्दे में इन्वॉल्व किया जा रहा है, लेकिन इल्जाम्स जो हैं, जितने भी इल्जाम हैं, वो सारे के सारे निमृत कौर अहलूवालिया पर लगाए जा रहे हैं। क्या इल्जाम है, और आपको बता दूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं यार। देखो, ये इल्जाम जो है ना, वो लग रहा है जनता ये कह रही है कि निमृत कौर अहलूवालिया प्रियंका चहार चौधरी को कॉपी करती हैं। किस वजह से, क्या वजह है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। थ्रू आउट अगर बिग बॉस की जर्नी की बात की जाए, निमृत कौर अहलूवालिया का पूरा गेम ही प्रियंका चहार चौधरी के अकॉर्डिंगली घूम रहा था भाई। मतलब लिटरली हर एक चीज में निमृत को जो है प्रियंका का सहारा लगा, फिर चाहे वो किसी भी एक्सपेक्ट में हो अपना 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 गेम दिखाने के लिए, फिर चाहे वो गेम में दिख रहा हो, गेम में बातें करनी हो, टास्क करना हो, हर चीज़ में निमृत कौर अहलूवालिया ने हो ना हो, ऐसे ना वैसे, किसी ना किसी तरीके से ना भाई प्रियंका चहार चौधरी का नाम इस्तेमाल किया ही किया। और निमृत ने भले, मतलब जब निमृत पहले घर में आई थी ना, तो बहुत स्ट्रांग प्लेयर के रूप में नजर आ रही थी कि भाई बहुत स्ट्रांग है एकदम, मतलब इनमें कुछ वाइब है, इनमें कोई बात है। लेकिन जब बिग बॉस के घर से, मतलब उनका जब कैप्टेंसी वाला पार्ट खत्म हुआ, उसके बाद तो भाई ऐसा लगा कि यार क्या ही है। मतलब आपको जब कैप्टेंसी मिल रही है, आप इतनी स्ट्रांग हो जा रहे हो, फिर कैप्टेंसी चले जा रही है, एकदम वीक नजर आ रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ थी प्रियंका चहार चौधरी, भाई पूरे सीजन कैप्टन नहीं बनी। लेकिन एक चीज़ जो जनता को बहुत पसंद है प्रियंका चहार चौधरी से, वो ये थी कि भाई एक्यूरेट अपने मुद्दे रखने की बात थी इन्होंने। मतलब जिस तरीके, इनको पता था कि कैसे अपनी बातों को मेरे को रखना है, चाहे वो कोई भी सामने खड़ा हो। और प्रियंका को तो भाई बाहर नाम भी दे दिया गया था, चाहे वो ट्विटर हो या कहीं पर भी, शेरनी 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 बुलाया जा रहा था उनको। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही भाई, वाइब तो अच्छी थी कहीं ना कहीं। और आपको बता दूं कि इस समय अगर बात की जाए, तो इन दोनों ने घर के बाहर आने के बाद भाई कुछ सिमिलर ड्रेसेस पहनी हैं, जिस पर इनको इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। मैं कुछ छोटे छोटे पार्ट दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हो। सबसे पहला पार्ट तो यही है जिसमें सिमिलर ड्रेसेस नज़र आ रही हैं दोनों की भी। और उसके बाद सेकेंड है, ये प्रियंका चहार चौधरी ने एक पोस्ट डाला था, आप देख सकते हो ये, जिसमें ये भाई, ये पोस्ट के लिए सेलिना गोमेज से कंपेयर भी किया गया था उनको, और ये निमृत कौर अहलूवालिया ने पोस्ट डाला है। इन दोनों पोस्ट में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नज़र आ रही हैं, इस वजह से भाई इनको ट्रोल किया जा रहा है, और निमृत कौर अहलूवालिया को ट्रोल किया जा रहा है। और जनता तो ये लिख रही है कि भाई निम्मो अब तो कॉपी करना छोड़ दो, बाहर आने के बाद क्या अब भी प्रियंका चहार चौधरी के ऊपर ही अपना गेम खेल रही हो, अभी भी करियर भी उन्हीं के ऊपर बनाओगी, कैसे सब बातें बोल रहे हैं। कोई लिख रहा है कि भाई ही क्या बोल सकते हैं भाई, निमृत कौर अहलूवालिया क्लासी लग रही है इसमें, और प्रियंका ने बहुत ज़्यादा लिपस्टिक वगैरह लगाए हैं। फिर को लग रहा है कि भाई क्या ही है, निमृत अब तो बाहर कॉपीकैट बनना छोड़ दो। फिर को लग रहा है प्रियंका इज हरसेल्फ इन और आउट ऑफ बिग बॉस, आफ्टर ऑल हर फैंस एग्री शी लुक्स एलिगेंट इन एनी गुड कॉस्ट्यूम, शी कांट बी कंपेयर टू एनी बिग बॉस 16 कंटेस्टेंट इन फैशन, दैट इज वाई शी हैज़ वन माई ग्लैम बेस्ट मॉडल अवार्ड। इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताएगा मैं हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बन रही है हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।